हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारे पास में होने वाली है कि हम गीजर की जो गीजर होता है हमारे घर में उसकी वायरिंग आसानी से कैसे करें। तो बहुत से न्यू टेक्नीशियन होते हैं और जो कुछ इलेक्ट्रिकल का थोड़ा बहुत काम जानते हैं तो उनके लिए वो काफ़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ होती है कि यार इसमें इतनी सारी वायरिंग होती है, एक वायर यहाँ से निकला, एक वायर यहाँ से निकला, तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा वायर हमें कहाँ पर डालना होता है। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पर बताऊँगा उसी में आप समझ जाओगे कि किस तरह से हमारा जो गीजर होती है उसकी वायरिंग होती है, और काफ़ी इजी वे में बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा भी इन पर कन्फ्यूजन ना रहे कि ये वायरिंग हार्ड है। तो उसमें क्या है कि दो ज़्यादा कुछ चीज़ें लगी नहीं रहती है, तीन या चार चीज़ें लगी होती है, बाकी जो उसकी वायरिंग होती है तो उसमें कोई न्यू टेक्नीशियन होता है या फिर जो इलेक्ट्रिकल का काम जानता है तो वो उलझ जाता है कि किस प्रकार से इसकी जो वायरिंग होगी। तो हम आज इसको आसान भाषा में समझेंगे कि इसकी वायरिंग किस प्रकार करते हैं। तो हमारे जो गीज़र होता है उसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है, होता है उसमें एक हीट एलिमेंट, ठीक है, ऐसा कुछ एक हीट एलिमेंट बना होता है और इसमें दो टर्मिनल निकले होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हीट एलिमेंट, तो ये हो गया हमारा हीट एलिमेंट जिससे कि हमारा पानी गर्म होता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए यानी कि आपको पानी कितना चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ एक लगा होता है थर्मोस्टेट। तो ये आप थर्मोस्टेट मान लीजिए और इसमें से एक ये लंबा सा सेंसर निकला हुआ होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा का थर्मोस्टेट। तो ये मान लीजिए ये हो गया थर्मोस्टेट, इसमें भी हमारे दो टर्मिनल होते हैं। अब ये चीज़ हमारे कंप्लीट हो गई यानी कि जो पानी कितना गर्म होगा तो कंट्रोल ये हमारा थर्मोस्टेट करता है। बाकी अगर आपका ये थर्मोस्टेट ख़राब हो जाए तो इन दैट केस इसके लिए गीज़र में एक सेफ्टी डिवाइस लगा होता है जिसका नाम है ओवरलोड, ठीक है। तो ये भी सेम आपके जो थर्मोस्टेट है उसके जैसा ही होता है और इसमें भी दो टर्मिनल निकले होते हैं। तो अगर आपका ये वाला ख़राब हो जाए, थर्मोस्टेट आपका ख़राब हो जाए, तो हीट एलिमेंट क्या है कि वो चालू रहेगा और हद से ज़्यादा आपके जो पानी है वो गीज़र में गर्म कर देगा, और यहाँ तक एक्सीडेंटल चांस भी हो जाता है कि क्या होता है कि गर्म होते होते उसमें भाप बनने लगती है जो कि जो आपका गीज़र होता है उसको फाड़ भी सकती है। तो इसके लिए आपको थर्मोस्टेट लगाया जाता है कि कितने डिग्री तक आपको पानी गर्म चाहिए। और ये हो गई हमने ओवरलोड, अगर ये ख़राब हो जाए तो इसका भी एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर आने के बाद में ये कट ऑफ कर देता है। तो ये तीन चीज़ें मोस्टली लगी होती है, ठीक है, ये तीन मेन चीज़ें। अब इसमें लगा रहता है हमारे यानी कि दो बल्ब लगे होते हैं गीज़र में, दो बल्ब लगे होते हैं एलईडी बल्ब जो हमें इंडिकेटर मान लीजिए, आप उनको इंडिकेट कह लीजिए, तो वो इंडिकेटर इंडिकेट करते हैं कि हमारा गीज़र चालू है या नहीं है या फिर हमारा जो एलिमेंट है वो चालू है या नहीं है। तो इसको काफ़ी ईजी वे में समझेंगे यहाँ पर। तो इसको चालू करने के लिए आपको चाहिए 220 वोल्ट, ठीक है, गीज़र चालू करने के लिए आपको 220 वोल्ट चाहिए, जिसमें से एक रहेगा आपका लाइन और एक रहेगा न्यूट्रल और एक रहेगा आपका अर्थिंग, तीन वायर निकल गए। तो आपको क्या करना है कि ये जो न्यूट्रल है, ठीक है, आपको ये न्यूट्रल सीधा पहुंचाना है कहाँ पर, ये हीट एलिमेंट पर, ओके। तो अपन न्यूट्रल पहुंच गया सीधा एक हीट एलिमेंट पर, एक पॉइंट पर इसके लगा दिया। अब बात करते हैं हमारे जो फेज है, जो लाइन है सप्लाई है उसकी बात करते हैं। तो ये चीज़ लाइन आपको फेज देना आपको सीधा कहाँ पर, ओवरलोड पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं ओवरलोड। तो ये देना है आपको सीधा कहाँ पर, ओवरलोड पर। ओवरलोड से ये सीरीज में कनेक्ट होगा, तो यहाँ सप्लाई देने के बाद में ये जैसे स्टार्ट होगा तो यहाँ से आउटपुट छोड़ेगा, और ये आउटपुट छोड़ेगा ये देना है आपको सीधे थर्मोस्टेट पर, ठीक है, यानी कि ओवरलोड से होकर ही हमारी फेज लाइन आगे गुजर रही है। तो थर्मोस्टेट पर आने के बाद में फिर थर्मोस्टेट, ये सेंसर लगा हुआ है इसमें, ये सेंसर सेंस करके आगे आउटपुट निकालेगा और ये आउटपुट जाएगा हमारे हीट एलिमेंट पर। तो इस तरह से वर्क करेगा। तो लाइन को आपको ही करना है, बाकी न्यूट्रल आपको सीधा सा इसमें हीट एलिमेंट पे दे देना है। लाइन को आपको सबसे पहले देना है ओवरलोड पर, यानी कि अगर ये भी ख़राब हो गया तो आपका जो ओवरलोड है वो प्रोटेक्ट करेगा इस चीज़ को। अगर ये बाईपास हो गया थर्मोस्टेट आपका, तो ये ओवरलोड जो एक इसका एक डिग्री टेम्परेचर फिक्स रहता है कि उतने पर आने के बाद में ये भी कट ऑफ कर देता है। तो यहाँ से गई हमारे आगे, आगे आने के बाद थर्मोस्टेट। अब थर्मोस्टेट पे जैसे आपने 30 डिग्री मान लो या 40 डिग्री मान लो, इतने डिग्री आपने यहाँ पर
सेट किया हुआ है थर्मोस्टेट को, तो इतने 40 डिग्री होने के बाद में ये जो आउटपुट निकालता है ये इसको बंद कर देगा, ठीक है। 40 डिग्री होने के बाद में आउटपुट देना बंद कर देगा, तो अपना हीट एलिमेंट बंद हो जाएगा। तो ये कंप्लीट इसकी वायरिंग हो गई। अब बात करते हैं हमारे जो इंडिकेटर होते हैं, लाइट होती है ना उनकी। तो ये मान लीजिए ये दो लाइट है, दो इंडिकेटर है, तो जिसमें से एक रहता है हमारा रेड और एक रहता है हमारा ग्रीन। अब रेड वाला किस लिए रहता है, क्यों? आपको पता है कि रेड वाला रहता है कि आपके जो गीजर में सप्लाई जो आपने यहाँ से 220 वोल्ट डाले हैं जो दिए हैं गीजर को, तो जाने के बाद में आपका ये जो रेड वाला इंडिकेटर ये ऑन हो जाता है कि हाँ लाइट अब यहाँ गीजर तक आ गई है। तो इसका जो रेड वाले का है न्यूट्रल आपको यहीं से दे देना है, ठीक है। जो मेन न्यूट्रल है आपका, या तो आप यहाँ दे सकते हो या यहाँ दे सकते हो हीट एलिमेंट के न्यूट्रल पर, बाकी आप बीच में से भी इसको दे सकते हो, और यहाँ ना दो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। ये थोड़ा ग्राफ बड़ा बन गया मेरा उस वजह से, बाकी आप यहाँ से भी इसको यहाँ, क्योंकि ये जो न्यूट्रल है आपका ये यहीं पर कनेक्ट होता है हीट एलिमेंट पर, तो आप जो रेड है इसके न्यूट्रल को भी यहाँ पर अटैच कर सकते हो। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हाँ ये न्यूट्रल एक ही रहता है, अलग नहीं रहता है। और जो इसका ग्रीन वाले का न्यूट्रल है ये भी आप यहाँ इसे दे सकते हो, ठीक है। यानी कि दोनों इंडिकेटर के आपके न्यूट्रल कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने के बाद में आप बचते हैं इनके फेस, तो आपको इनके फेस कहाँ पर देने हैं। तो आपने जैसे यहाँ से लाइन छोड़ी गीजर तक आपके सप्लाई आ गई, तो सप्लाई आने के बाद में ये चीज़ देनी है आपको ओवरलोड के यहाँ पर, जो ये वाला पॉइंट है आपका ओवरलोड का आउटपुट जहाँ से निकल रहा है वहाँ पर आपको ये दे देना है। आप चाहो यहाँ भी दे सकते हो और यहाँ भी दे सकते हो, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको देनी कहाँ पर है। बाकी ज़्यादा सही यही रहता है कि आपको यहाँ पर इसको देना चाहिए, ठीक है। ओवरलोड के जो दूसरा वाला पॉइंट है उस पर आपको आउटपुट देनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा रेड, यानी कि जैसे यहाँ से सप्लाई छूटेगी, जैसे हमने 3-पिन टॉप लगाया गीजर के लिए, बटन ऑन किया, तो सप्लाई आने के बाद में ये जो रेड इंडिकेटर है ये ग्लो करने लग जाता है, ठीक है। यानी कि गीजर में लाइट आ गई है। अब जब हीट एलिमेंट चालू होगा, जैसे ओवरलोड ने यहाँ से सप्लाई आउट कर दी, जाने के बाद थर्मोस्टेट पे जो सेंसर सेंस करेगा, सेंस करने के बाद जैसे थर्मोस्टेट आपके सप्लाई आगे भेजेगा यानी कि आउटपुट निकालेगा, तो हीट एलिमेंट ऑन हो जाएगा। तो ये ग्रीन वाला जो रहता है ये ऐड करना है आपको यहाँ पर इसके साथ में, ये जो थर्मोस्टेट का जहाँ से थर्मोस्टेट आउट करता है सप्लाई को, तो वहाँ पर इसको लगा देना है। तो जब आपका जो हीट एलिमेंट ऑन होगा तब ये जो ग्रीन वाला इंडिकेटर है ये ग्लो करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट वायरिंग है, काफ़ी इजी है, इसमें कोई चीज़ हार्ड नहीं है। हमने न्यूट्रल को सीधा का सीधा ही दे दिया हीट एलिमेंट पर, और जो ये दोनों इंडिकेटर है इनके भी न्यूट्रल चल जाएंगे सीधे के सीधे, यानी कि न्यूट्रल का काम ख़त्म। और ये जो लगे हुए ये सब सीरीज में कन्वर्ट हो गए, यानी कि यहाँ से फेस गया सीधा ओवरलोड को, ओवरलोड से होता हुआ आउटपुट ओवरलोड ने निकाला, और यही आउटपुट गया हमारे थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट में आने के बाद में थर्मोस्टेट ही आउटपुट निकालेगा और वो जाएगा अपने हीट एलिमेंट में। यानी कि इसमें दो प्रोटेक्शन डिवाइस लग गए, एक ओवरलोड और एक थर्मोस्टेट। इसी की वजह से ये पानी कितना डिग्री आपको गर्म चाहिए तो आप यहाँ सेट कर सकते हो। अगर ये जैसे मान लीजिए 95 डिग्री के ऊपर चला जाता है, ये 95 डिग्री के ऊपर चला जाता है, इसका मतलब कि थर्मोस्टेट हमारा ख़राब है। तो होने के बाद में क्या है कि इसका भी एक 103 डिग्री ऐसा कुछ रहता है, तो वहाँ आने के बाद में ये ओवरलोड कट ऑफ कर देता है। यानी कि अगर ये चीज़ ख़राब हो गई तो ये आपके प्रोटेक्ट रहेगी। अब बात करते हैं हमारे जो अर्थिंग है, अर्थिंग आपको कहाँ देना है? अर्थिंग देना है आपको यहाँ जितने भी पार्ट लगे हुए हैं इन पे, एक पर भी आपको अर्थिंग नहीं देना है। आपको अर्थिंग देना है जो आपके गीजर की बॉडी लगी होती है, उस गीजर की बॉडी पर ये अर्थिंग कनेक्ट करना है, ताकि जो आपको पानी आता है तो उसमें करंट ना आए। अगर करंट आता है तो MCB आपकी ट्रिप हो जाएगी। और ये जो दोनों चीज़ आप देख रहे हो, थर्मोस्टेट और ओवरलोड, इनके ऊपर एक मैंने कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें मैंने बताया कि किस तरह से ये जो दोनों चीज़ें ये वर्क करती है। तो इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद आप एक बार वो वीडियो चेकआउट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो आपके घर में गीजर लगा होता है उसकी वायरिंग होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे यूजफुल कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।